देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहां जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दिए, देश की सरकार ने दिए, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल, एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस कर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई है यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त कराया कि वो कार्रवाई करेंगे।